This is the back exercise. First part is tell whether the statement is true or false. इस पार्ट में हमें क्या बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स. फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेटल्स. जितने भी मिनरल्स हैं वो सब मेटल से डिराइव होते हैं, मतलब मेटल में से निकाले जाते हैं. इज इट ट्रू? नो स्टूडेंट्स, इट इज फॉल्स. मिनरल्स नहीं निकालते हम मेटल में से, मेटल्स को निकालते हैं मिनरल में से. ओके, डिराइव्ड मींस निकालना. सेकंड इज पार्थ स्टॉप डूइंग बेटा ऑल दीज थिंग्स. पार्थ, ओके. नेक्स्ट वन इज कोल एंड पेट्रोलियम आर मिनरल फ्यूल्स. कोल और पेट्रोलियम जो हैं वो मिनरल फ्यूल्स हैं. यस, इट इज करेक्ट. कोल और पेट्रोलियम मिनरल फ्यूल्स हैं. मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन द सदर्न प्लेट्यू रीजन. मेटालिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? सदर्न प्लेट्यू रीजन में. यस, इट इज ट्रू. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर चैप्टर. नेक्स्ट वन इज द आयरन ओर इज मोस्टली फाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म. जो आयरन ओर है वो जब हमें मिलती है तो वो अपनी प्योर फॉर्म में होती है, मतलब फर्स्ट स्टेज पे वो अपनी प्योर फॉर्म में होती है. नो, इट इज फॉल्स. आयरन ओर जो है वो पहले इम्प्योर होती है, बाद में उसे प्योर किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीज इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ड्राई सेल बैटरीज एंड ग्लेज्ड पॉटरी. मैग्नीज किस काम आता है? ड्राई सेल बैटरीज में और ग्लेज्ड पॉटरी में. यस, इट इज करेक्ट. इंडिया हैज अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इंडिया के पास मिनरल्स के अनलिमिटेड रिजर्व्स हैं, मतलब अनलिमिटेड भंडार है, बहुत ज्यादा है ये. नो, इट इज फॉल्स. इंडिया हैज लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पार्ट. फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेटल्स. इट इज फॉल्स. मिनरल मेटल से डिराइव नहीं होते, मेटल मिनरल में से डिराइव होते हैं. कोल एंड पेट्रोलियम आर मिनरल फ्यूल्स. कोल और पेट्रोलियम जो है वो मिनरल फ्यूल्स हैं. यस, ट्रू. मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द सदर्न प्लेट्यू रीजन. मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो सदर्न प्लेट्यू रीजन में ज्यादा मिलते हैं. यस, इट इज ट्रू. द आयरन ओर इज मोस्टली फाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म. जो आयरन ओर है वो अपनी प्योर फॉर्म में हमें मिलता है. नो, इट इज फॉल्स. मैग्नीज इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ड्राई सेल बैटरीज एंड ग्लेज्ड पॉटरी. मैग्नीज यूज किया जाता है ड्राई सेल बैटरीज में और ग्लेज्ड पॉटरी के लिए. यस, इट इज ट्रू. इंडिया हैज अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इंडिया के पास जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं. नो, इट इज फॉल्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ. बॉक्साइट किस चीज की ओर है, मतलब ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसमें से बॉक्साइट निकाला जाता है. बॉक्साइट एक ओर है जिसमें से इन चारों ऑप्शंस में से कोई मेटल डिराइव किया जाता है. कौन सा किया जाता है? ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, थोरियम, गोल्ड और सिल्वर. यस डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड इन द लेसन दैट बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. बॉक्साइट ओर में से एल्यूमिनियम डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल. इनमें से कौन सा मेटेलिक मिनरल नहीं है?
ऑप्शंस आर कॉपर, कोल, मैग्नीज एंड आयरन. इनमें से मेटालिक मिनरल कौन सा नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, कोल इज नॉट अ मेटालिक मिनरल. कोल में मेटल नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज कोल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटालिक मिनरल. इनमें से नॉन मेटालिक मिनरल कौन सा नहीं है? यस डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग? इनमें से कौन सा जो है वो मिनरल नॉन मेटालिक नहीं है? कोल नॉन मेटालिक है. ओके, यस, व्हाट आर यू डूइंग? एल्यूमिनियम, लाइमस्टोन एंड मीका. ओके, जो ये स्टूडेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा, आप लोग प्लीज टिक करके बता सकते हैं. आप लोगों ने ये लेसन रीड किया है. एनी वन ऑफ यू कैन टिक द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटालिक मिनरल? इज नॉट अ नॉन मेटालिक मिनरल. यस, मीका. नेक्स्ट इज, व्हाट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास? ग्लास बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? मीका, कॉपर, मैग्नीज और सोडियम. अभी नाउ स्टॉप ड्रॉइंग. नाउ स्टॉप ड्रॉइंग. इरेज दीज लाइन्स ऑन द स्क्रीन. नोबडी विल ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. यस, व्हाट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास? ग्लास बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? मीका, कॉपर, मैग्नीज और सोडियम. मैग्नीज, वी यूज मैग्नीज. नेक्स्ट इज, विच प्लेस डज नॉट हैव अ बिग आयरन एंड स्टील प्लांट? इनमें से कौन से प्लेस पर आयरन और स्टील प्लांट नहीं है? भिलाई, सेलम, दुर्गापुर, पार्थ. आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम यू बेटा. भिलाई, सेलम, दुर्गापुर, लखनऊ. यस डियर स्टूडेंट्स, लखनऊ में आयरन और स्टील के प्लांट नहीं है. Now let's move to our other next part. Fill in the blanks. Mineral fuels are also known as. Mineral fuels को हम क्या बोलते हैं? They are also known as fossil fuels. Mineral fuels को हम क्या बोलते हैं? Fossil fuels. Next is second fill up. Blank is the main source of energy in our country. हमारी कंट्री में एनर्जी का सोर्स, मेन सोर्स कौन सा है? कोल. अभी साई प्लीज स्टॉप डूइंग ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन. पे अटेंशन टुवर्ड्स द स्टडीज. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बैक एक्सरसाइज, सो बी अटेंटिव. Coal is the main source of energy in our country. Next is, the northern plains are blank in energy sources. जो northern plains हैं वो energy sources में कैसे हैं? मीन वहां ज्यादा quantity में मिलती है या कम मिलते हैं? The northern plains are poor in energy resources. जो northern plains हैं वो energy resources में poor हैं, मतलब वहाँ कम quantity में energy sources मिलते हैं. Next is, the demand for aluminium is blank in our country. Aluminium की demand हमारे country में क्या हो रही है? Increase हो रही है या decrease हो रही है? The demand for aluminium is increasing in our country. The Mumbai High is located in the blank sea.
मुंबई हाई कौन से सी में लोकेटेड है? अरेबियन सी में. नेक्स्ट इज मेटल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्लैंक. मेटल कहाँ से डिराइव किए जाते हैं? मेटल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स. यस डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Now I am going to discuss the question answers of this chapter. These are some extra questions, you may say internal questions. First is, what is mining? The process of digging up minerals from the earth is called mining. वो process जिसमें हम minerals को earth से बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? Mining. Second is, what is mineral ore? A rock containing large amount of a particular mineral is called the ore of that mineral. एक ऐसी rock जो large amount of mineral जिसमें particular type का mineral होता है काफी quantity में उसे क्या बोलते हैं? Ore of that mineral. Next is, what is smelting? The process of separating metals from the mineral ore is called smelting. Next one, where can we find most of the metallic minerals in India? Sarbani, beta, please stop doing drawing on the screen. No need to underline the answer. No need to note down or underline the answer. I will send you the notes of the question answers. Fourth question is, where can we find most of the metallic minerals in India? India mein hame metallic minerals kahan par milte hain? Most of the metallic minerals are found in the southern plateau of India. Northern plains mein hame bahut kam milte hain. और कौन से एरिया में ज्यादा मिलते हैं? सदर्न प्लेट्यू में. व्हाट इज बॉक्साइट? द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड बॉक्साइट. एल्यूमिनियम की ओर को हम क्या बोलते हैं? बॉक्साइट. राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव मेजर रिफाइनरीज इन इंडिया. इंडिया में फाइव मेजर रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज कौन सी हैं? मुंबई, चेन्नई, मथुरा, पानीपत एंड कोची. Difference between metallic and non-metallic minerals. Metallic minerals कौन से होते हैं? Minerals which have metals are called metallic minerals. ऐसे minerals जिनमें metal होता है उसे metallic mineral कहते हैं. For example, iron, copper, silver. Yes, non-metallic mineral. Non-metallic mineral कौन से होते हैं? Mineral ores which do not have metals are called non-metallic minerals. Okay, these were some extra questions from the lesson. Now come to the part D, the questions in the back exercise of your lesson. First question is, what are the uses of coal? Coal के uses कौन कौन से हैं? Coal is used for producing electricity, running factories, for means of transportation, and also for cooking food in the houses. Coal किस लिए use होता है? Electricity production में, factories run करने में, transportation में, और even cooking food in the houses. These are some of the uses of coal. Name any five places where iron and steel factories are located. These five places are Jamshedpur, Bhilai, Durgapur, Salem or Bokaro. Next is, how is manganese useful for us? Manganese is used in the making of iron and steel, dry cell batteries, insecticides, plastics, glazed pottery, मैचेस, ग्लास एंड केमिकल्स. इन सब चीजों में मैग्नीज यूज किया जाता है.
Next is, what is the importance of Mumbai High? Mumbai High की क्या importance है? क्यों important है वो? It is India's largest offshore oil field. ये सी से दूर है और largest जो है जहां से oil निकाला जाता है. Oil 40% of India's requirement. सिर्फ मुंबई से ही हमें इंडिया की जितनी ऑयल की रिक्वायरमेंट है 14% मुंबई हाई से ही मिलती है. 95 centers where mining is done. माइनिंग जहां होती है सेंटर्स कौन कौन से हैं? रामगंज, कोटा, या बाद एंड ओके आर द 5 centers.